देश के राज्यों में कमल मुरझाया, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हुआ चकनाचूर। क्या पीएम मोदी और अमित शाह के ग्रह हुए कमजोर? क्या जाने वाले हैं बीजेपी के अच्छे दिन? हर सवाल का जवाब दे रहे हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। क्या पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी की कुंडली कमजोर हो रही है, जो 71% से 40% पर पहुंच गई? देखिए, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो सामने हैं, कि 1.5 साल पहले बीजेपी 71% स्टेट्स में थी, अब 40% में रह गई है। 30% का जो ड्रॉप है, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। बीजेपी को यहाँ पर अपने सहयोगी दलों का, अपने परिवार को संगठित करके चलना चाहिए, ये उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जो महाराष्ट्र में हुआ है। आप कहेंगे कि 71% से 40% पे बीजेपी NDA आ गई है, और मैंने जो भविष्यवाणी 2024 में 418 सीट्स की है, वो कैसे होगी? इस प्रश्न का इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए, 2019 से इलेक्शन से 4 महीने पहले कहीं राष्ट्रवाद का नाम नहीं था, और 2019 के लिए मैंने 2016 में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2019 का जो इलेक्शन होगा वो राष्ट्रवाद के ऊपर होगा। अगर 3 महीने के राष्ट्रवाद ने बीजेपी को 303 दी, बीजेपी मेजोरिटी में है, उनके अभी तक के जितने डिसीजंस हैं, चाहे वो 370/35A था, राम मंदिर था, चाहे आपका सर्जिकल स्ट्राइक था, ये सब अपने आप में अद्वितीय थे, जो उन्होंने कहा करके दिखाया। अब फिर मैं वही बात कहता हूँ कि अब जो है, ये जो हालात हो रहे हैं, ये हालात फिर राष्ट्रवाद हिंदुत्व को बलवान करेंगे। अगर वो कमजोर हो रही है, अगर वो कमजोर हो रही है, तो इस सामने आपको नजर आ रहा है। लेकिन इफ एंड इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, 2024 तक आते आते इस टाइम जो भी ज्वलंत चीजें हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब पर एक्शन होगा, वो डीम फिट एक्शन होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो कुंडली के ग्रह कहीं कमजोर हैं, देश के ग्रह कमजोर हो गए, राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो कहीं कमजोर पड़ जाएंगी। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। कुंडली कहीं कमजोर नहीं है। ये जो अप एंड डाउन्स हैं, ये आते हैं, लेकिन कार्य जो है हो रहा है, और रिजल्ट्स जो हैं 1924 के, इसके बिल्कुल विपरीत होंगे जो अभी नजर आ रहे हैं। मैंने 2014 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जब मोदी जी, माननीय मोदी जी
बनारस में गंगा आरती कर रहे थे उस टाइम मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2019 तक आते आते क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं उनकी कमर टूट जाएगी, परिवारवाद की कमर टूट जाएगी। अब दीपक जब भी बुझता है तो एक बार काफ़ी ऊंची लो में जलता है। अगर आप देखें तो ये परिवारवाद का जो गठबंधन है ये शायद लास्ट होगा, ये भविष्यवाणी मैं 2014 में कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। अगर आप सुदर्शन न्यूज़ पे देखेंगे जिसमें मैंने मोदी जी के लिए नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि अगले 15 साल के लिए माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और हिंदुस्तान को विश्व में विश्व की जो महाशक्तियां उसमें अग्रणीय स्थान पे ले आएंगे और भारत पुनः विश्व गुरु होगा। उसकी फाउंडेशन अयोध्या में राम मंदिर के केस को इतने 70 सालों तक लड़ने के बाद जो फैसला आया है वहां से शुरू हो जाती है। क्या आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर मैं ले जाता हूँ बैक में, अगर 2019 के इलेक्शन को देखते हैं तो फरवरी तक दूर दूर तक कहीं ये नहीं था कि एनडीए जो है आपका सरकार बना पाएगी। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्वे के बाद जो नंबर्स दे रहा था वो 170 से लेके 190 के बीच में दे रहा था। सारे मुख्य चैनल जो हैं ये बता रहे थे कि एनडीए 170 क्रॉस नहीं कर सकती। जनवरी तक मुद्दा कहीं पे भी राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन फरवरी आते ही 28 फरवरी आते ही पाकिस्तान की घुगोनी हरकत का, जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक से, हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से जब जवाब दिया तो सब कुछ चेंज हो गया। अब भी समीकरणें बनेंगी क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पीओके है और आज जो हमारे दुश्मन की बुरी हालत है उसको खाने को नहीं मिल रहा है, टमाटर देखने को नहीं मिल रहा है, वहाँ की जनता त्रस्त है। वहाँ की प्रधानमंत्री के अगेंस्ट आवाम चिल्ला रही है, रो रही है और उनका जो मान सम्मान विश्व में अब बन चुका है, जो कटोरा लेके वो जा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारे फैक्टर आपके 24 तक आते आते देश की जनता को समझ आ जाएगा कि उनको किसको चुनना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल बाहर करेंगे क्योंकि क्षेत्रीय दल जो हैं अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए जनता की भावनाओं का कहीं पे भी कदर नहीं करता। क्या बीजेपी की कुंडली से अच्छे दिन वाले सितारे गायब हो गए? देखिए ये हार जीत नंबर्स का गेम, इसको एक किनारे पे रख के देखिएगा, वो समय था सीमा पार से दुश्मन आके हमारे सैनिकों का सिर काट के ले जाता था और हमारे उस टाइम के शीर्ष नेता ये कहते थे कि नहीं, वो पाकिस्तान की वर्दी में उग्रवादी आए या दूसरे टेररिस्ट आए और वो ये कांड करके चले गए। अब क्यों नहीं हिम्मत होती? अब क्यों नहीं हिम्मत होती उनकी? देश को क्या चाहिए? देश को सबसे पहले आपकी सुरक्षा चाहिए,
आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे दिल्ली ही जाते थे, तो आपकी पत्नी को ये खटका रहता था कहीं कौन से कूड़ेदान से बम फटेगा और उसके आगे कौन आएगा। जब तक आप घर वापस नहीं लौटे थे, धड़कनें बढ़ी रहती थी। आज बीजेपी के शासनकाल में, मैं बीजेपी के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के शासनकाल में ऐसा कौन सा बम विस्फोट हुआ जिसमें 10, 20 या 50 बंदे मरे हों, पुलवामा को छोड़ के, जिसका एक ही बार जवाब दिया गया, उसके बाद उनकी बोलती बंद है। तो सबसे पहले कि आप किस लिए सरकारें चुनते हो, कोई भी सरकार आपको घर में रोटी नहीं देगी, खाने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी सिक्योरिटी जो है वो रहनी चाहिए। कहां पे दंगे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो आप किस तरीके से अच्छे दिन चाहते हैं? कौन से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? 2014 से 10 साल पहले के अच्छे दिन? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये जो सब हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, इसको मान के चलिएगा। भारत की बागडोर जिनके हाथ में, उनका लोहा सिर्फ ये देश नहीं विश्व मानता। कोई ऐसा स्कैम हुआ है जो पिछले 14 से पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं? अब आप लोगों के पास मीडिया को डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या डिस्कस करता है? किस चीज पे डिबेट्स होती हैं? और 14 से 10 साल पहले, 4 से लेके 14 तक क्या डिस्कस होता था? हमारे नेता अटैचियां, प्रूफ की अटैचियां लेके घूमते थे। अब कहीं किसी के पास वो अटैचियों का प्रूफ है? नहीं है। क्या जनता क्या चाहती है? कैसे अच्छे दिन चाहिए उनको? आपकी भावनाओं का कदर होना चाहिए, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। देश की जनसंख्या ना बढ़े और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ऊपर देश को सोचना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आपको आने वाले 5 साल में होती हुई नजर आएंगी।